Hey everyone, welcome to Karachi Vlog Series Episode 4. आज हम सेलिब्रेट करेंगे और थर्ड डे ऑफ ईद. यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी एंड देन हमने किया ब्रेकफास्ट. अच्छा, जो लोग मुझसे ड्रेसेस के बारे में पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से परचेज की हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मैंने लोकल मार्केट से ली हैं और ख़ुद स्टिच करवाई हैं, किसी भी ब्रांड के नहीं हैं. यार सीरियसली, ब्रांड पे एक जोड़ा 25,000 से 30,000 का दे रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि उसमें ऐसा उन्होंने क्या कर दिए जो आम लोन का ड्रेस वो इतना महंगा दे रही हैं. इतने में तो मैं पूरे 3 दिन की शॉपिंग कर लूँ अपने ईद की. एंड जो लोग ये समझते हैं कि ब्रांड्स पहन के वो खूबसूरत लगेंगे, तो सॉरी टू से, आपने पहले ही मान लिया कि आप खूबसूरत नहीं हो. आपने अपनी खूबसूरती का हक ब्रांड्स को दे दिया. ब्रांड्स आपको खूबसूरत नहीं बनाते, खूबसूरत बनाते हैं आपको आपका इनर कॉन्फिडेंस. आपको ख़ुद पर यह एतमाद होना चाहिए कि मैं 2500 वाला ड्रेस पहनकर भी उतना ही खूबसूरत लगूंगी या लगूंगा जितना कि 25,000 वाला ड्रेस पहन के. आपको ड्रेस को कैरी करने का तरीका आना चाहिए. एंड आई हैव दिस कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन. मैं आम लोकल मार्केट से भी कपड़े लेकर पहन लेती हूँ एंड बहुत ही सुगर लड़की हूँ मैं. खैर, यहाँ पर हो रही थी हमारी बारबेक्यू पार्टी. बारबेक्यू में था चिकन टिक्का एंड मलाई बोटी, और जिन्होंने ये बनाया था ना, इतना टेस्टफुल बनाया था ना उन्होंने, बहुत ही जूसी एंड वेरी यमी. मैंने इस तरह की मलाई बोटी एंड चिकन टिक्का आज तक कभी नहीं खाया. ये थी कराची की फेमस पेपर चपाती, और यहाँ पर मैं बिजी थी खाना खाने में. रमज़ान से जो हमने खाना स्टार्ट किया है ना, और कराची में भी 10 दिन हम खाते ही रहे हैं. कभी किसके घर दावत, कभी किसके घर दावत. मुझे तो लग रहा था मैं मोटे होके ही वापस जाऊँगी. अब हमारी बारी थी बारबेक्यू करने की, बिकॉज हम लोग खाकर फ्री हो चुके थे. इसके बाद सेशन स्टार्ट होना था चाय का. यहाँ पर ये मेरे बेटे की बहुत अच्छी एक फ्रेंड बन गई थी, और जावियार ने तो इसके लिए मुझे भी बुला दिया था. ये जावियार की एक्टिविटी चेक करें आप. इन्होंने बनाई हुई थी एक बाइक. अब देखते जाएं ये क्या करती हैं. ये देखो हरकतें आप चेक करें. ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड की है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी. फिर यहाँ पर बन रही थी चाय. वैसे मैंने ये नोटिस किया है कि कराची में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है. यहाँ पर हमने कदी ना कदे फेर मिलांगे. मैं फुल बन्ना तू तारा सजना, कल्ला ते कवारा सजना, मिलना चाहूं दोबारा सजना, फेर ना ला दी लारा सजना, मिट्टी दा बाणे तेर मिलांगे, हाय नी आपा फेर मिलांगे. यहाँ पे रेडी हो गई थी हमारी चाय, और मैं सलमान से कह रही थी मुझे भी कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा. एक तो इन लोगों से वीडियो रिकॉर्ड करवाओ ना, तो ये कभी मुझे फ्रेम में लेते ही नहीं है. कभी सर काट देंगे, कभी लाइटिंग का इशू, कभी तो कैमरा ऑन करना ही भूल जाएंगे. मैं पूछूंगी रिकॉर्ड होगी, कहेंगे ओ हमें तो याद ही नहीं रहा. अभी देखिएगा, यहाँ पर भी मैं इन लोगों से पूछूंगी रिकॉर्ड किया है ये क्लिप के नहीं. इसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल होती है भाई, वो भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूंगी. ये देखो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ. यहाँ पर हमने सबको चाय देने के बाद खेलना स्टार्ट करना था रैकेट, बट हवा इतनी तेज़ थी कि वो खेला ही नहीं जा रहा था. बिकॉज ये टॉप फ्लोर है, एंड फ्लैट्स में टॉप फ्लोर में आपको पता है कि कितनी तेज़ हवा चलती है. यहाँ पे मैं पी रही थी चाय, एंड हेयर आर दीज टू बडीज. ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हालांकि मैं इनकी मामी हूँ, लेकिन वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स. यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश की, बट नथिंग हैपेंड. फिर हम लोगों ने साइड भी चेंज करके देखी, हमने कहा शायद अब खेला जाए, लेकिन हवा की वजह से बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा था. इस बार कराची का वेदर ना मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया. आई डोंट नो वाई. मैं पहले भी कराची जाती रही हूँ, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं हुआ. इस बार मुझे स्वेयर एलर्जी हो गई थी ऑन माई हैंड्स, और इतनी इचिंग मैं आपको बता भी नहीं सकती. आई थिंक वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज हुआ है इस वजह से. तो यहाँ पर हम लोग मेडिकल स्टोर जा रहे थे मेडिसिन लेने के लिए, और ये रात के 3 बज रहे हैं, एंड यू कैन सी कि बाज़ारों में कितनी रौनक है. और लाहौर में तो रात के 10 बजे ही सारी मार्केट क्लोज कर देते हैं. यहाँ पे हम लोग आ गए थे एक पान स्टॉल पे, एंड देखें ये कितने खूबसूरत इन्होंने डेकोर किया हुआ है. ये बन रहा था बर्फ़ का गोला, और यहाँ पर मैं पता नहीं किसकी चप्पल पहनाई थी जो कि मेरे ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो गई थी. यहाँ पर आप किसी छोटे से स्टॉल से भी खाएंगे ना, तो इतना मज़ेदार आपको ये गोला बना के देते हैं, वेरी यमी. यहाँ पर हमने अपना छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम अरेंज किया हुआ था, और ये रही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो मैंने ये नेल एक्सटेंशन लगवा ली. सीरियसली, मैं कभी भी किसी को भी ये मशवरा नहीं दूंगी कि आप लोग ये लगवाएं. इसको लगाने के बाद जितने नेल्स ख़राब होती हैं ना, शायद ही किसी और चीज़ से होते हों.
इनको जब मैंने रिमूव किया ना तो साथ ही मेरा रियल नेल भी उखड़ कर आ गया था। इट वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। पता नहीं कैसे लोग एक्रेलिक करवा लेते हैं, मैं तो बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस और वही बहुत बुरा रहा, इसलिए अपने रियल नेल्स में ही खुश रहें। लगते तो प्यारे हैं नो डाउट, बट इनको लगा के काम बिल्कुल भी नहीं होता। होप यू लव दिस मिनी व्लॉग। मिलते हैं एपिसोड 5 में। टिल देन बाय, लव यू।